हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं नाभिकीय अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों का अंतर लेके आऊँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपके बीच उसका अंतर लेकर के आया हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक इसके अंतर को नोट कर लेंगे, यहाँ तक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आइए हम इसके बीच के अंतर को समझें ताकि अगर इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे साइंस और एजुकेशन के अन्य फील्डों से भी। और यहाँ तक मैं आपके डिमांड पर भी वीडियो बनाता हूँ, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में डिमांड भी कर सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में उसके डेफिनेशन से क्या होता था कि दो हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलकर के, यानी कि उसमें संलयित होकर के क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो एक भारी नाभिक का निर्माण है वो दो हल्के नाभिक मिलकर के आपस में कर देते हैं। तो इस चीज को देखना है, यहाँ पर देखिएगा कि इनमें एक जो है वो क्या होता है, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाएंगे या दो से अधिक हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर जो भारी नाभिक हैं वो टूट रहे हैं हल्के नाभिक में, तो यहाँ पर नाभिक मिल रहे हैं और यहाँ पर नाभिक आपस में टूट रहे हैं। इसमें देखिएगा कि नाभिकीय संलयन में प्लूट्रॉन द्वारा प्रेरित किया जाता है, ना कि नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है इसे प्लूट्रॉन के द्वारा जो है वो प्रेरित किया जाता है, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो प्रेरित नहीं होता है, यह जो है अभिक्रिया प्रेरित नहीं होती है, बल्कि यह अभिक्रिया जो है न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित किया जाता है, न्यूट्रॉन के द्वारा होता है यह अभिक्रिया। अब इसमें देखेंगे कि नाभिकीय संलयन अभी श्रृंखला अभिक्रिया को नहीं देता है, मतलब यह चैन वाइज नहीं बनते हैं कि एक टूटा फिर दूसरा टूटा या एक बना फिर दूसरा बना, इस तरह से नहीं होता है इसके साथ। लेकिन इसके साथ ऐसा होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है वो श्रृंखला अभिक्रिया देती है। मैंने श्रृंखला अभिक्रिया वाला वीडियो भी जो है आपको बताया है, दिया है उसका वीडियो भी। और उसके अलावा देखिए क्या है, नाभिकीय संलयन में जो है भाग लेने वाला जो कण होता है वो उच्च गति में होता है, उसका जो वेग होता है वह उच्च गति में होता है यहाँ पर, यानी कि प्लूट्रॉन अगर होगा तो उच्च गति में होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मंद गति वाले न्यूट्रॉन्स द्वारा जो है इसको करवाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो गतियाँ होती है वो क्या होती है, मंद होती है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आके आऊँगा। को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।